नाम अहमद नवाज है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर का एक तालिबे इल्म हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सानिया हुआ था 16 दिसंबर 2014 को, उस सानिहे में मैंने अपना एक भाई हारिस नवाज शहीद खोया था और उनके अलावा तकरीबन जो मेरे 132 दोस्त जो मेरे भाइयों की तरह थे उनको मैंने खोया था। इस वाक़े में मैं भी शदीद जख्मी हुआ था, मुझे गोलियां लगी थी। इस दौरान ये जो वाकया हुआ, उस दौरान मैंने अपने भाइयों मेरे दोस्तों की मेरे टीचर्स की लाशें देखी जिनके साथ मैं पढ़ा करता था, वो दोस्त जिनके साथ मैं खेला करता था उनकी लाशों पर से मुझे गुजरना पड़ा। तो ये मनाजिर जब मैंने देखे तो ये तो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी के जो बदतरीन मनाजिर थे ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो ये कंपेन मैंने यूके में की, मैं मुख्तलिफ स्कूलों में गया, कॉलेजेस में गया, यूनिवर्सिटीज में गया, फिर मेरी मुलाकात यूके की प्राइम मिनिस्टर जो है थेरेसा मे उनसे हुई और उन्होंने भी मेरे इस कंपेन को अप्रिशिएट किया और मुझे इंकरेज किया। उस दौरान मेरी कुछ जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ यूके में जैसे कि वर्ल्ड मेरिट, CDRS, तो हमारा भी ये प्लान है कि हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक इनिशिएटिव स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को इनकरेज करें कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाए और इसके अलावा हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कि जो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं ट्राइबल एरियाज में है, बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, जहां पर भी है, तो उनको हम स्कॉलरशिप्स दिलाएंगे ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके। इसके अलावा जो है तो मुझे यूनाइटेड नेशन में स्पीच के लिए इन्वाइट किया गया है नेक्स्ट साल और मेरी ये उम्मीद है कि मैं वहां जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि मैं जो हूं तो यहां पर पाकिस्तान का एक एम्बेसडर हूं और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं। तो जब मैं यूनाइटेड नेशन जाऊंगा मैं उनको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान में अमन लाने के लिए। यही एक तालीम ही की जरिए से ही हम इस दहशतगर्दी के मसले को शिकस्त दे सकते हैं।